हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आज आपको हम बताते हैं गीजर किस तरह से लगता है, आसान तरीके। ये गीजर आपका विराट कंपनी का है। अब इसको गीजर लगाने के लिए ये एरिया है आपका, ये एरिया बना हुआ, ये नॉब बना हुआ, दो इनलेट आउटलेट का ये बंद किया हुआ, ये अभी लगेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं गीजर इंस्टॉल कैसे होता है। सबसे पहले गीजर को उठाने पर मार्क करेंगे, मार्क करेंगे, यहां से निशान दे देंगे। पानी के बाद ये टूल्स का जरूरत पड़ेगा, ड्रिल मशीन है आपका, ये फास्टनर है, 8 mm का फास्टनर है, यही हॉलो के इसके अंदर जाएगा। हॉल करने से पहले सबसे पहले हम लोग कनेक्शन कर लेंगे ड्रिल मशीन को, वायर को। तो इसको हॉल ये टाइल्स है, टाइल्स में करने के लिए हेलो हॉल हो गया। हेलो ये फाटा को इसके अंदर में डाल देंगे। अब इसको टाइट कर लेंगे, हाथ से भी टाइट कर लेंगे, स्लॉट से भी टाइट कर लेंगे। टाइट हो गया, टाइट होने के बाद अब हम लोग इसको साइज मिलाएंगे। अब स्ट्रेट देखेंगे, अब दूसरे साइड में मार्क कर देंगे इसको, इस साइड में। इसको काटने के बाद सबसे पहले इसको वाइब्रेट कर लेंगे कि टाइल्स टूटे हैं। अब इसको हैमर में डाल के अब इसको इसमें टाइट हो गया है, गीजर को इसमें फिट कर लेंगे। गीजर फिट हो गया है, वायर निकाल देंगे, मेन सेट फिट हो गया है गीजर। आपको गाइस अब बताते हैं, इसमें कनेक्शन के बारे में बताते हैं, कनेक्शन पाइप दिखा रहे हैं। अब इसको कनेक्शन करेंगे, पाइप कनेक्शन, ये दो कनेक्शन पाइप है आपका लिखा हुआ फ्लेक्सी कनेक्शन पाइप। अब हम लोग इसको कनेक्शन पाइप को लगाने से पहले इसको रिमूव कर देंगे। ये इनलेट हो गया आपका, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये नॉब पे इसलिए दिया था इसमें गड़बड़ उड़ ना जाए, छेड़ खराब ना हो। इसको रिमूव करने के बाद डालेंगे छेड़ में, डेफिनेटली इसलिए दिया जाता है कि छेड़ अच्छा से बैठे। हाँ,
दोनों साइड थ्रेड में टेक्नोलॉजी डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें एनआरवी वर्ग लगता है इनलेट में, नॉन रिटर्न वर्ग लगता है इसमें, या कि पानी जब भरता है तो रिटर्निंग पानी नहीं आता है, इसलिए नॉन रिटर्न वर्ग इसको जरूरी लगाना पड़ता है। यह आपका गीजर सेफ्टी रहेगा और इनलेट में पानी कभी नहीं आएगा गर्म। अब इसको हम लोग टाइट कर लेंगे, जितना जाएगा हाथ से उतना टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सलाह इनके जरिए टाइट कर लेंगे इसको। टाइट हो गया ये। अब ये थ्रेड में नॉन रिटर्न बल्ब में थ्रेड का थ्रेड में ये टेक्नोलॉजी टेप डालेंगे। अब ये कनेक्शन का ये फिटिंग होगा, तो इसे रिमूव कर लेंगे इसको। ये इनलेट में लग गया है। कोई सा भी पाइप दोनों में डाल सकते हैं, सेम साइज का होता है 1.5 फीट का। ये टाइट हो गया है, इसको इसमें टाइट कर देंगे। टाइट हो गया, ये एनआरवी भी टाइट हो गया, एनआरवी में आपका कनेक्शन पाइप फिट हो गया है, इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। ये एनआरवी का काम होता है नॉन रिटर्न वाल्व पे, रिटर्निंग पानी नहीं आने देता है और आपको पानी को हाई प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब गाइस, अब हम लोग इसमें कनेक्शन करने से पहले ये दो स्टॉपेज बंद है, ये स्टॉपेज को खोलने के बाद सबसे पहले ऊपर से पानी बंद करना पड़ेगा। पानी का बंद करने के बाद इस स्टॉपेज को खोलने के बाद इसमें एंगल कॉक लगता है, एंगल बल्ब, इसको एंगल कॉक ही करते हैं, एंगल बल्ब भी कहते हैं। इसको रिमूव करेंगे, सबसे पहले हम पानी बंद करेंगे। ये बल्ब बना हुआ है, यहाँ से इसको घुमाएंगे बल्ब बंद हो जाएगा आपका। नीचे जो एंगल कॉक में जो बल्ब इनलेट में पानी आता है वो पानी बंद हो जाएगा। अब हम लोग ऊपर छत पर आए हुए, अब नीचे जाएंगे और उसको फिट करेंगे। ये आपका इनलेट हो गया है, ये आउटलेट हो गया। ये थ्रेड से टेक्निकल हटा देंगे, लेकिन सही तरीके से थ्रेड में एंगल भर बढ़ जाए, दिक्कत ना हो टाइट करने में, वो इसको नहीं रिमूव करेंगे। तो एंगल कॉक को देंगे ऊपर से कंट्रोल करना होगा। ये एंगल भर हो गया, एंगल भर, ये निपल हो गया आपका, बहुत ज्यादा गहरा बना हुआ है, इसको बढ़ाने के लिए ये लगेगा। सबसे पहले हम लोग ये निपल में आपका टेफलॉन टाइट करेंगे। ये निपल में थ्रेड लग गया है, दूसरा भी कौन थ्रेड लगाएंगे। अब एंगल वाल में लगाएंगे थ्रेड टाइट करने के लिए। अब ये थ्रेड को इसमें नहीं जा रहा है, इसमें इसमें है टाइट हो गया। फुल टाइट हो गया है। अब हम लोग जाएंगे इसको टंकी से पानी खोलेंगे, इसमें से पानी आएगा हो गया आपका। ये आउटलेट हो गया, आउटलेट में पानी नहीं आ रहा। अब ये इनलेट पाइप को इनलेट वाल्व में टाइट करेंगे।
पानी इसमें स्टोर होने लगा, यहाँ से एयर फेंकेगा, जब तक एयर नहीं फेंकेगा तब तक इसको नहीं लगा सकते, अगर लगा लेंगे तो एलिमेंट जल जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। पानी भर गया है, पूरा एयर निकल गया, पानी भर गया, और इसको आउटलेट में फिट करने से पहले इनलेट को बंद कर लेंगे, यहाँ से आउटलेट से पानी बंद हो जाएगा, अब आउटलेट में इसको फिट कर देंगे, स्लाइडर से फिट को आराम से ये टाइट हो जाएगा, टाइट होने के खोल देंगे, ये आउटलेट हो गया आपका, आउटलेट से पानी आना शुरू, यहाँ टेम्परेचर ये है आपका, ये मीडियम हो गया, ये हीटिंग हो गया, ये मैक्सिमम मिनिमम, इसको हम लोग अभी फिलहाल कस्टमर बोला है मीडियम सेट करने के लिए, मैक्सिमम थोड़ा सा कम कर दिए, अब इसको हम लोग कनेक्शन को फिटिंग करना है। ये पावर प्लग है आपका 16 एम्पीयर का, 16 एम्पीयर सॉकेट है यहाँ पर, सॉकेट को इसमें भाई आप लोग फिल्टर साफ करते हैं क्या? लगा देंगे, अब इसको कनेक्शन देंगे, ये पावर हो गया, हीटिंग हो गया, ज्यादा गर्म हो जाएगा ग्रीन बत्ती आपका एलिमेंट का सिग्नल देता है, पानी गर्म हो रहा है, ज्यादा गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, ग्रीन बत्ती ऑफ हो गया, पानी समझिए आपके इसमें जितना भी स्टोरेज है वो पूरा हीट हो गया, गर्म हो गया, फिर आपको क्या करना है वहां से स्विच ऑफ कर देना है, उसके बाद यूज करना है, हो गया गीजर का, अब 5 मिनट के बाद ये चेक करेंगे पानी गर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कट ऑफ हो गया, पानी पूरा आपका गर्म हो गया, अब चेक करने के लिए आउटलेट है आपको खोलिएगा, थोड़ा सा ठंडा पानी आएगा, गर्म आना शुरू हो गया पानी, ठीक है सर, ज्यादा गर्म आएगा इसको भी खोल दीजिएगा, दोनों पानी मिक्स होके गिरेगा, उसमें आपका पानी जो गर्म पानी है और ठंडा पानी जो मिक्स करके करिएगा, पानी जो गर्म पानी है वो कम खर्च होगा, आराम से 15 लीटर में आप तो 2 घंटे नहा सकते हो, ठीक है, ये कट आउट हो गया, ज्यादा जैसे पानी निकालने गया जैसे हल्का ठंडा हो जाएगा यहाँ बत्ती जल जाएगा, ऑटो कट हो गया, ये जैसे पानी हल्का ठंडा होगा यहाँ बत्ती जलना शुरू हो जाएगी, बत्ती फिर से चालू हो जाएगा आपका पानी गर्म होना, ये आप देखिए ग्रीन बत्ती जल गया, आपका रनिंग स्टार्ट हो गया, एलिमेंट आपका गर्म होना स्टार्ट हो गया, गर्म हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा, तो वहां से स्विच ऑफ कर दीजिएगा, ऑफ करके नहीं जाएगा, वहां से ऑफ करके नहीं जाएगा, अच्छा, इसलिए कि बरसात के मौसम में कभी आपका जो फ्लेक्सर ज्यादा होता है ना उससे दिक्कत होता है, रिटर्निंग करेंट आ जाता है या कुछ आ जाता है, जितना हार या ऑन करके तो दिक्कत हो सकता है, हानि पहुंच सकता है शरीर को, इसलिए गर्म हो गया आप वहां से ऑफ कर दीजिए, ऑफ करने के बाद फिर आप गीजर को यूज करिए, गर्म हो गया अभी इसको ऑफ कर दो, इसको सारा चीज यहाँ पर हाथ ऑन करना है, ऑन ऑफ कर दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए।